नमस्ते बच्चों, आज हम हिंदी इलेक्टिव के चैप्टर 6 चिकित्सा का चक्कर पाठ के विश्लेषण करेंगे। उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, उस पाठ में क्या है उसको पढ़ेंगे हम लोग। पाठ को शुरू करने से पहले कवि के बारे में थोड़ा संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। कवि का नाम है बेडब बनारसी, इनका असली नाम है कृष्णदेव प्रसाद गौर है उनका असली नाम। हिंदी साहित्य के हंसौर परंपरा के जीवंत प्रतीक बेडब बनारसी जी जाने माने हास्य व्यंग्य साहित्यकार है। हंसौर परंपरा का मतलब होता है हंसाने वाले परंपरा के जो जितने भी कवि थे उन परंपरा में जाने माने बेडब बनारसी जी है, वो हास्य व्यंग्य साहित्यकार है। हास्य मतलब हंसाते भी हैं, उनकी साहित्य के द्वारा उनके हर एक लेखनी में वो हंसाते हैं लोगों को और व्यंग करते हैं, चिढ़ाते हुए कुछ कुछ बातें करते हैं। उनका जन्म 11 नवंबर 1855 को बनारसी में हुआ था तथा मृत्यु 6 मई 1968 को हुई थी। बनारसी जी का अधिकांश समय अध्यापन कार्य में बीता। इन्होंने सरकारी व्यवस्था के लेकर सामाजिक परंपराओं तथा व्यवसायों तक पर तीखे व्यंगात्मक चलाए, व्यंग बाण चलाए। उनकी रचनाएं की भाषा शैली सरल सहज तथा मुहावरेदार है, जो पाठक के मन पर विशेष प्रभाव डाल रहे हैं। उनके जो लेखनी है, जो भाषा शैली है, वो सहज है, सरल है, हम इजीली उसको समझ सकते हैं और उनमें कुछ मुहावरे भी लगाए हैं उन्होंने। बनारसी जी के अनेक कविताएं, कहानियां, उपन्यास तथा निबंध आदि की रचनाएं की है। इसके अतिरिक्त उन्होंने नगरी, पचारिणी पत्रिका, आंधी, प्रसाद, खुदा की राह पर, तरंग आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। वैदव की वाहक, काव्य कमल, बिजली, वैदव की बानी, नया जमाना आदि बनारसी जी की काव्य रचनाएं हैं। इससे क्वेश्चन भी आ सकता है कि उनकी कुछ काव्य रचनाओं के बारे में लिखो। उनकी कहानियों में है बनारसी एक्का, मुसोरी वाला, गांधी का भूत, टनाटन, धन्यवाद आदि प्रमुख है उनकी कहानी है ये सब। लेफ्टिनेंट पिक्सन की डायरी उनकी चर्चित उपन्यास है। लेफ्टिनेंट पिक्सन की डायरी उनकी सबसे प्रमुख रचना है, उपन्यास है। हुक्का पानी, उपहार, गालिब की कविता, रूहे, सुकून आदि निबंध है, यह सभी निबंध है। बनारसी की भाषा अत्यंत सरल एवं सहज है। अरबी एवं अंग्रेजी तथा शब्दों का तथा मुहावरों के प्रयोग से पाठ की रोचकता अधिक बढ़ जाती है। तो शुरू करते हैं पाठ को। चिकित्सा का चक्कर, मतलब चिकित्सा के चक्कर में क्या क्या हुआ था उनके साथ, शुरू करते हैं। मैं बिल्कुल हट्टा कट्टा आदमी हूँ, लेखक खुद को बोल रहे हैं कि वो बिल्कुल हट्टा खट्टा बलवान एक इंसान है। देखने में मुझे कोई भला आदमी रोगी नहीं कह सकता। कोई भी भला इंसान, आप हो, मैं हूँ, कोई भी इंसान उनको कभी भी रोगी नहीं कहेगा। मेरी आयु लगभग 35 वर्ष की है, वो बोल रहे हैं कि उनकी आयु तब उनकी उम्र थी 35 वर्ष। आज तक कभी बीमार नहीं पड़ा, आज तक 35 वर्ष की उम्र तक उनको कभी भी बीमारी नहीं हुआ। लोगों को बीमार देखता था, वो लोगों को बीमार देखते थे तो मुझे बड़ी इच्छा होती थी। ये लोगों को बीमार देखने के बाद उनको बड़ी इच्छा होती थी कि किसी दिन मैं भी बीमार पड़ता तो अच्छा होता। वो सोचते थे, लोग जब बीमार पड़ते थे वो देखने जाते थे तो वो देखने के बाद वो ये सोचते थे कि अगर कभी मैं भी बीमार पड़ता तो बहुत अच्छा होता। ये तो ना था कि मेरे बीमार होने पर भी दिन में 2 बार बुलेटिन निकलते। बुलेटिन का मतलब होता है न्यूज़ का जो हेडलाइन होता है, विज्ञप्ति जो होता है वो चीज़। तो वो बोलते थे कि अगर मैं बीमार पड़ूं तो दिन में 2 बार न्यूज़ का हेडलाइंस नहीं आएगा, विज्ञप्ति नहीं आएगा, ठीक है, निकलते। पर इतना अवश्य था कि मेरे बीमार पड़ने पर हैंडले बिस्कुट, जिन्हें साधारण अवस्था में घर वाले खाने नहीं देते, दवा की बात और है। तो अगर वो बीमार पड़ते तो हैंडले बिस्कुट जो एक ब्रांड का नाम है, जैसे पार्ले जी ये सब ब्रांड है, उसी तरह हैंडले उस जमाने का एक अच्छी ब्रांड का बिस्किट है, उसके वो बिस्कुट उनको खाने को मिलता जो साधारण अवस्था में, मतलब नॉर्मली किसी को खाने को नहीं मिलता था, बीमार पड़ने से ही वो दिया जाता था शायद, ऐसा ही कुछ। अवस्था में घर वाले खाने नहीं देते थे, दवा की बात हो रही है और दवा तो चलता ही रहेगा, बीमार पड़ेंगे तो दवा चलेगा ही। खाने को मिलते ये सब उनको खाने को मिलते हैंडले बिस्कुट। यूडी क्लोन की शीशिया सिर पर कोमल करों से बीबी उड़ेल कर मलती। और सबसे बड़ी इच्छा तो ये थी कि दोस्त लोग आकर मेरे सामने बैठते और गंभीर मुद्रा धारण करके पूछते, कहिए बेडब जी कैसी तबीयत है। ईडी क्लोन की शीशिया, जैसे दवाई होता है ना, सर में दर्द होता है तो नवरत्न तेल, ये सब तेल हाथ में लेकर
बीवी उनके सर पर मलती है, और सबसे बड़ी इच्छा यह थी कि दोस्त लोग उनके खबर करने के लिए उनके घर आते तो आकर गंभीर मुद्रा में, मतलब पूरे सैड अवस्था में वो लोग बैठते थे, दुखित होकर बैठते थे और उनको पूछते कि क्या कहिए बेडम जी कैसी तबीयत है, उनको पूछते थे कहो कि तुम्हारा तबीयत कैसा है, ये सब उनके दोस्त उनको पूछते। किसी की दवा हो रही है कुछ फायदा, किसकी दवा हो रही है कुछ फायदा है, कुछ दोस्त पूछते हैं कि किसकी दवा कर रहे हो, किस डॉक्टर को दिखाया आपने, किसकी दवा आप खा रहे हो, और कुछ पूछते हैं कुछ फायदा हुआ है क्या ये सब दवा खाने के बाद। जब कोई इस प्रकार से रोनी सूरत बनाकर ऐसे प्रश्न करता तब मुझे बड़ा मजा आता। उनको वो बोल रहे थे कि अगर दोस्त लोग कोई रोनी सूरत बनाकर उनको ये सब प्रश्न पूछता है तब उनको बहुत मजा आता था, बहुत आनंदित महसूस करते थे वो आता, और उस समय में आनंद की सीमा के उस पार पहुंच जाता था, और उस समय उनका मतलब दिल दिमाग सब कुछ आनंद के सीमा के उस पार हो जाता था। सब लोग आके मुझे पूछ रहे हैं कि कैसे हो, कब सुस्त हो गए, कब क्या हुआ, डॉक्टर ने क्या दवाई दी, ये सब पूछने के बाद उनको बहुत मजा लगता था। हाँ तो एक दिन मैं हॉकी खेलकर आया, तो एक दिन वो हॉकी खेलकर आए, कपड़े उतारे, स्नान किया, कपड़े उतार कर उन्होंने स्नान किया, शाम को भी भोजन कर लेने की मेरी आदत है, शाम को ही मतलब शाम के 6-7 बजे वो उस टाइम को वो भोजन कर लेते थे, पर आज मैच में रिफ्रेशमेंट जरा ज्यादा खा गया था इसलिए भूख ना थी, तो आज मैच में रिफ्रेशमेंट मतलब अल्प आहार जिसे कहते हैं, मतलब खेल के बीच में जो खाना दिया जाता है वो थोड़ा ज्यादा खा ले थे इसलिए उनको ज्यादा भूख नहीं थी। श्रीमती जी ने खाने को पूछा, उनकी पत्नी ने उनको पूछा कि खा लीजिए आप, मैंने कह दिया कि आज स्कूल में मिठाई खाकर आया हूँ, उन्होंने बोला कि आज स्कूल से वो मिठाई खा कर आए, ये नहीं बोले कि इस मैच में रिफ्रेशमेंट ज्यादा खा के आए, उन्होंने बोला कि आज स्कूल में उन्होंने मिठाई खा कर आया है, कुछ विशेष भूख नहीं है, कुछ ज्यादा भूख नहीं है, उन्होंने कहा विशेष ना सही साधारण ही सही, पत्नी मजाक से बोल रहे थे कि ज्यादा ही नहीं थोड़ा ही सही खा लीजिए, मुझे आज सिनेमा जाना है, उनकी पत्नी ने बोला कि आज मैं सिनेमा के लिए जाऊंगी, तुम अभी खा लेते तो अच्छा होता, तुम अगर अभी खा लेते तो अच्छा होता, मैं तुम्हें खाना देकर सिनेमा के लिए निकल जाती, संभव है मेरे आने में देर हो, यह हो सकता है कि मेरी आने में देर हो सकते हैं, मैंने फिर इनकार नहीं किया, फिर बेडब जी ने इनकार नहीं किया, लेखक ने इनकार नहीं किया, उस दिन थोड़ी ही खाया, उस दिन उन्होंने थोड़ा ही खाया, कितना थोड़ा खाया है आपको पता चलेगा, बहुत थोड़ा खाया है, मतलब एकदम 12 पूड़िया उन्होंने खाया है, 12 पूड़िया और वही रोज वाली 8 पाव मलाई और 8 पाव मलाई मतलब हाफ किलो मलाई खाए हैं उन्होंने, थोड़ी ही खाया है उन्होंने, ज्यादा नहीं खाया, 12 पूड़िया खाया है और रोज वाली 8 पाव मलाई खा चुकने के बाद, ये सब खाने के बाद भी पता चला कि प्रसाद जी उनके एक दोस्त है, प्रसाद जी उनके उधर से यहाँ से बाग बाजार का रसगुल्ला आया है, उधर से बाग बाजार का, कलकत्ता के बाग बाजार प्रसिद्ध रसगुल्ला बनाते हैं उधर से रसगुल्ला आया है, रस तो होगा ही, उस रसगुल्ले में तो रस बहुत ज्यादा ही होगा, बहुत मीठा होगा, ये कल तक संभव है कुछ खट्टा हो जाए, उन्होंने को प्रतीक्षा नहीं था कि कल खा लेंगे, अभी ज्यादा खा लिया ये नहीं, उन्होंने बोला कल तक शायद ये रस खट्टा हो सकता है, ठीक है खट्टा हो जाए, 6 रसगुल्ले निकलकर मैंने चरपाई पर धारण किया, उसके बाद 12 पूड़िया 8 पाव मलाई फिर 6 रसगुल्ला खाने के बाद वो चरपाई पर जाकर धन्ना दिया, मतलब चरपाई पर जाकर लेट गए, बिस्तर पर जाकर लेट गए। रसगुल्ले छायावादी कविताओं की बात है, मतलब छायावादी का मतलब होता है काल्पनिक कविताओं की भांति सूक्ष्म नहीं थे, मतलब वो रसगुल्ले छोटे नहीं थे, स्थूल थे, बड़े बड़े रसगुल्ले थे, ये 6 रसगुल्ला उन्होंने खाया एकाएक, उसके बाद वो बिस्तर में लेट गए एकाएक। रात 3 बजे रात को नींद खुली, रात के 3 बजे उनकी नींद खुल गई, ठीक है रात को नाभि के नीचे दाहिनी ओर पेट में मालूम पड़ता कोई बड़ी बड़ी सुइयां लेकर कोच रहा, नाभि के नीचे दाहिनी ओर उनको महसूस हुआ कि रात के 3 बजे नाभि के नीचे दाहिनी ओर कोई बड़ी बड़ी सुई लेकर ऐसे कोच रहा था उनके पेट में, ठीक है सुइयां लेकर कोच रहा है, परंतु मुझे भय नहीं मालूम हुआ, लेकिन उनको भय नहीं हुआ, ये सब दर्द उनके लिए नॉर्मल है, क्यों नॉर्मल है पता चलेगा, उन्होंने सोचा इसमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऐसे ही समय के लिए औषधियों का राजा, ऐसे ही समय के लिए वो मेडिसिनों का राजा, किंग ऑफ द मेडिसिन, औषधियों का राजा, रोगों का रामबाण, रोग मतलब कोई भी बीमारी हो उसका रामबाण, ठीक है
अमृत धारा की एक शीशी सदा अपने मेरे पास रहती थी। अमृत धारा की एक शीशी वो सदा अपने पास रखते थे। उस दवाई का नाम था अमृत धारा, उसकी एक शीशी वो अपने पास रखते थे। मैंने तुरंत उसकी कुछ बूंदे पान की। तुरंत ही उन्होंने वो वसुद की शीशी को खोला, बोतल को खोला और कुछ बूंदे उन्होंने पिया। दोबारा दवा पी, दोबारा वो अमृत धारा की शीशी के दो दवाई फिर से पिए, तिवारा पिया, पीपता पीपता पुनः पीपता, मतलब पीते ही रहे, पीते ही रहे, बार बार पीते रहे कि सार्थकता उसी समय मुझे मालूम हुई। ये सब पीपता पीपता मतलब पियो पियो और भी पियो, इसका महत्व जो होता है वो उनको तब पता चला। प्रातःकाल होते होते शीशी समाप्त होगी, सुबह होते होते 3 बजे उनका नींद खुला था, 4 बजे सुबह हो जाता है, 5 बजे सुबह हो जाता है, इस 2 घंटे के बीच में उनका शीशी ही खत्म हो गया। इतना पिया उन्होंने, पूरा अमृत धारा की शीशी उन्होंने खत्म कर दी। दर्द में किसी प्रकार की कमी ना हुआ, लेकिन दर्द में थोड़ा भी कमी नहीं हुई। प्रातःकाल एक डॉक्टर के यहाँ आदमी भेजना पड़ा, सुबह सुबह उन्होंने डॉक्टर के यहाँ एक लोग को, उनके उधर के एक नौकर को भेजा। डॉक्टर साहब सरकारी अस्पताल के थे, डॉक्टर साहब सरकारी अस्पताल के डॉक्टर थे। वे एक इक्के पर तशरीफ लाए, इक्के का मतलब होता है घोड़े गाड़ी, ठीक है, घोड़े गाड़ी में वो तशरीफ लाए लेखक के यहाँ, मतलब मैडम जी के यहाँ। सूट तो वो ऐसे पहने हुए थे कि मालूम पड़ता था प्रिंस ऑफ वेल्स के बेल्टों में है। उन्होंने ड्रेस कोड ऐसा लगाया था, उन्होंने वो एक सूट लगाया था जिसको देख के ऐसा मालूम पड़ रहा था लेखक को कि शायद वो प्रिंस ऑफ वेल्स के लीडर है, उस कैंप के एक कर्मचारी है, बेल्टोक में रहते थे वो प्रिंस ऑफ वेल्स के। ऐसे सूट वाला, सूट वाले का इक्के पर आना वैसा ही मालूम हुआ, ऐसे सूट वाले का इक्के पर आना मतलब घोड़े गाड़ी पर आना, उनको ऐसा मालूम हुआ जैसे लीडरों का मोटर छोड़कर पैदल चलना। जैसे लीडर जो होते हैं, नेता जो होते हैं, वो लोग जैसे करते हैं ना गाड़ी छोड़कर पैदल, जब उनका स्वार्थ होता है तब वो पैदल चल के लोगों के घर में जाके आप मुझे ही वोट दीजिएगा, ऐसे उनको लगा कि लीडर जब मोटर छोड़कर पैदल जा रहा हो। मैं अपना पूरा हाल भी ना कह पाया था कि आप बोले, उन्होंने पूरा उनका जो कंडीशन था, शारीरिक जो अस्वस्थता वो महसूस कर रहे थे, वो बोलने से पहले डॉक्टर बोले जुबान दिखलाइए। डॉक्टर ने बोला कि आ करके जुबान दिखाओ। प्रेमियों को जो मजा प्रेमिकाओं की आंख देखने में आता है, शायद वैसा ही डॉक्टर को मरीजों की जीभ देखने में आता है। तो इधर में लेखक बोल रहे हैं जैसे एक प्रेमिक को अपनी प्रेमिका की आंखों में देखने में जो मजा आता है, शायद डॉक्टर को मरीजों के मतलब रोगियों के पेशेंट के जीभ देखने में वही मजा आता है। डॉक्टर महोदय मुस्कुराए, डॉक्टर महोदय हंसे, बोले घबराने की कोई बात नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं है, दवा पीजिए, हैं आपको मैं दवाई लिख के दे रहा हूँ, वो दवा पीजिए, 2 खुराक पीते पीते आपका दर्द वैसे ही गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है। 2 बूंद दवा पीने के बाद आपका दर्द ऐसे गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है। मैं तो दर्द से बेचैन था, लेखक का हालत दर्द से बहुत खराब हो गया था। डॉक्टर साहब साहित्य का मजा लूट रहे थे, डॉक्टर साहब अपना अपना डायलॉग बोल रहे थे, ठीक है, साहित्य का मजा लूट रहे थे। चलते चलते बोले अभी अस्पताल खुलाना होगा, मतलब अभी वो अपने दानवीरता का प्रमाण दे रहे थे, वो कितने दानवीर है डॉक्टर, अभी बोल रहे थे अभी अस्पताल खुलाना होगा, नहीं तो आपको दवा मंगानी ना पड़ती, अभी अस्पताल बंद है इसलिए आपको दवा खरीद कर लाना पड़ेगा, अगर अस्पताल खुला होता तो आपको दवा मंगाने की जरूरत ना थी, मैं ही दे देता। खैर चंद्रकला फार्मेसी, ये सरकारी अस्पताल में ज़्यादातर होता है कि उस फार्मेसी से जाकर दवाई लेके आना, ये आजकल बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, ये करप्शन का एक तरीका है डॉक्टरों का, कि उन्होंने भी बोला चंद्रकला फार्मेसी से दवा मंगवा लीजिएगा। चंद्रकला फार्मेसी का नाम बताया और बोला कि उधर से ही दवा मंगवाइएगा, वहाँ दवाइयाँ ताज़ी मिलती है। ऐसा बात हो रहा है कि ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ खरीदने जा रहे हैं, दवाइयाँ भी आजकल ताज़ी में बिक्री हो रही है, ठीक है, बोल रहा है कि उधर में दवाइयाँ ताज़ी मिलती है। बोतल में पानी गर्म करके सीखिएगा, बोतल में थोड़ा पानी गर्म करके सेकने के लिए बोला है, मतलब ऐसे कपड़े में पानी भिगोकर ऐसे सेकना है। दवा पी गई, लेखक ने दवा मंगवाई और उसके बाद पिया, गर्म बोतले से भी सेक भी आरंभ हुई, गर्म बोतल को लेकर पेट में सेकना भी आरंभ हुआ,
सेकते सेकते छाले पर गए, इतने ज्यादा सेकना उन्होंने स्टार्ट किया कि सेकते सेकते उनके पेट का छाले निकलना शुरू हो गया, पर दर्द में कमी ना हुई, पर दर्द थोड़ा टस से मस ना हुआ, मतलब दर्द में थोड़ी भी कमी नहीं हुई। दोपहर हुआ शाम हुई, पर दर्द ने मुझसे ऐसा प्रेम दिखलाया कि हटने का नाम तो दूर। मतलब दोपहर हुआ, सुबह सुबह मंगवाए थे, बुलाए थे डॉक्टर को, उसके बाद दोपहर हुआ, उसके बाद शाम हुई, लेकिन दर्द लेखक से इतना प्रेम करता था कि उनको छोड़ के जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। ठीक है, हटने का नाम दूर, लोग देखने के लिए आने लगे, उसके बाद लेखक को देखने के लिए लोग आने लगे। मेरे घर पर मेला लगने लगा, उनके घर में ऐसा लगा कि मेला हो रहा है। ऐसे ऐसे लोग आए कि कहाँ तक लिखूं, ऐसे ऐसे लोग आए कि वो कितना लिखे वो सोच रहे थे। हाँ, एक विशेषता थी, जो आता एक ना एक नुस्खा अपने साथ लेता आता, मतलब एक स्पेशलिटी थी, सभी लोग आते थे लेकिन उनमें एक स्पेशलिटी थी कि सब लोग अपने साथ कुछ ना कुछ टिप्स लेके आते थे, कुछ ना कुछ एडवाइस लेके आते थे कि आप ये कीजिए, ये खाइए, ऐसा कीजिए। किसी ने कहा आज कुछ नहीं हींग पिला दो, किसी ने कहा आज कुछ नहीं हींग पिला दो, हींग एक मसाला होता है जो पीने के बाद गैस वैस ये सब का दर्द खत्म हो जाता है। ठीक है, हींग पिला दो, किसी ने कहा चूना खिला दो, किसी ने कहा चूना को घोल कर पिला दो। खाने के लिए सिवा जूते के और कोई चीज बाकी नहीं रहा, रह गई। मतलब लोगों के एडवाइस, इतने सारे टिप्स उनको मिला कि सिर्फ जूता खाना बाकी था, बाकी सब कुछ लोग ने बोल दिया। ठीक है, जिसे लोगों ने ना बताई हो, ऐसा कोई चीज नहीं है जो लोगों ने ना बताई हो, सिर्फ जूता ही बाकी था, बाकी सब कुछ बोल दिया था। 3 दिन बीत गई, 3 दिन इस दर्द को लेकर वो झेले, दर्द में कमी ना हुई, पर दर्द में थोड़ी भी कमी ना हुआ। लोग आते मुझसे देखने के लिए, पर चर्चा छिड़ती थी प्रसाद जी की अमुक नाटक रंगमंच में दृष्टि से कैसा है। लोग आते थे उनको देखने के लिए, लेकिन वो अपने अपने बातों में घुल जाते थे, वो आकर कोई छेड़ देता था कि प्रसाद जी की ये नाटक रंगमंच में कैसा चला है, किस दृष्टि से कैसा है। राय कृष्णदास हफ्ते में 9 बार दाढ़ी क्यों बनाते हैं, राय कृष्णदास नामक एक बंदा जो हफ्ते में 9 बार दाढ़ी बनाता है, हफ्ते में 7 दिन होता है लेकिन वो 9 बार दाढ़ी क्यों बनाता है, इसको लेकर चर्चा चल रहा था। मुझे भी कुछ बोलना ही पड़ता था, तो वो भी क्या करे, दर्द के मारे विवश था बंदा, फिर भी कुछ ना कुछ बोलना पड़ता था उनको। ऊपर से पान और सिगरेट की चपट अलग, ऊपर से पान और सिगरेट तो चल ही रहा था, लोग आते थे कुछ ना कुछ खाते थे, भला दर्द में क्या कमी हो, भला ऐसे स्थिति में दर्द में क्या कमी हो। आखिर में लोगों ने कहा कि तुम कब तक इस तरह पे परे रहोगे, आखिर में कुछ लोगों ने उनको एडवाइस दिया कि कब तक ऐसे परे रहोगे, किसी दूसरे की दवा करो, किसी दूसरे का दवाई मंगवा के पियो। लोगों की सलाह से डॉक्टर चौहानाथ कातर जी को बुलाने की सलाह हुई, डॉक्टर की लोगों की बात सुनकर उन्होंने डॉक्टर बदलने की प्रयास किया, उन्होंने चौहानाथ कातर जी नामक एक डॉक्टर को बुलाने की सलाह हुई। आप लोग डॉक्टर साहब का नाम सुनकर हंसेंगे, चौहानाथ कातर जी नाम सुनकर आप लोग हंसेंगे, पर ये मेरा दोष नहीं है। लेखक बोल रहे हैं कि ये नाम जो है ये मेरा दोष नहीं है, ये मैंने नहीं बनाया है, ये उनकी माँ बाप का दोष है, ये जो चौहानाथ कातर जी के माँ बाप है उनका दोष है, उन्होंने ऐसा नाम रखा है। यदि उनका नाम रखना होता तो अवश्य ही कोई साहित्यिक नाम रखता, अगर उनके माँ बाप को उनका नाम अच्छा रखना था तो कोई भी साहित्यिक का नाम रखता। वे थे या अथा नाम था तथा गुण, वे जो इंसान थे जैसा नाम था उनका गुण भी ऐसा था, चौहानाथ कातर जी। ठीक है, आपकी फीस 8 रुपये थी, उनकी फीस जो थी वो 8 रुपये थी, और मोटर का 1 रुपया अलग, और वो जो जिस मोटर से आते थे पेशेंट देखने उस मोटर का 1 रुपया उनको अलग से देना पड़ता था। आप लंदन के एफआरसीएस थे, वो लंदन से एफआरसीएस पर के आए थे। कुछ लोगों का सौंदर्य रात में बढ़ जाता है, सौंदर्य जो है वो रात में बढ़ जाता है, वैसे ही डॉक्टर की फीस रात में बढ़ जाती है, वैसे ही डॉक्टर किसी भी डॉक्टर को आप बुलाओ, दिन को लाओगे तो 300 रुपया, रात को लाओगे तो 500 रुपया, 1000 रुपया। ठीक है, डॉक्टर की फीस रात को बढ़ जाता है। खैर, डॉक्टर साहब बुलाए गए, फिर डॉक्टर साहब को बुलाया गया, आते ही हमारे हाल पर रहम किया और बोले, आते ही उनके हाल देखा और उनके रहम करके बोले, मिनटों में दर्द गायब हुआ,
तुम देखो मिनटों में मैं दर्द गायब कर दूंगा। हुआ जाता है, थोड़ा पानी गर्म कराइए, थोड़ा पानी गर्म कराइए, तब तक ये दवा मंगवाइए। तब तक उन्होंने एक पर्ची में दवाई लिख के दी, बोला कि ये दवा मंगवाइए। एक पुर्जे पर अपने दवा लिखी, पानी गर्म हुआ, एक पुर्जे पर उन्होंने दवा लिख कर दिया और उधर में पानी भी गर्म हुआ। 2 रुपए की दवा आई, सिर्फ 2 रुपए की दवा मंगवाएगी। डॉक्टर बाबू ने तुरंत एक छोटी सी पिचकारी निकाली, डॉक्टर बाबू ने तुरंत एक छोटी सी पिचकारी, मतलब आज के जमाने में इसको इंजेक्शन कहते हैं, ठीक है, छोटी सी पिचकारी निकाली, उसमें एक लंबी सुई लगाई, उसमें एक लंबा सा सुई लगाया, पिचकारी में दवा भरी, पिचकारी में उन्होंने दवा भरा और मेरे पेट में वो सुई कोच कर दवा डाली और उनके पेट में वो सुई घुसाकर दवा डाल दिया। डॉक्टर साहब कुछ कहकर और मुझे सांत्वना देकर चले गए, ये दवा डालने के बाद कुछ कहा और उनको सांत्वना देकर ठीक हो जाएगा, चिंता मत कीजिए बोलकर वो चले गए। उसके बाद मुझे नींद आ गई, उसके बाद उनको नींद आ गई और सो गया और वो नींद में डूब गए। मेरी नींद कब खुली कह नहीं सकता, उनकी नींद कब खुला उनको वो बता नहीं सकते, पर दर्द में कमी हो चली थी, पर दर्द थोड़ा थोड़ा कम हुआ था और दूसरे दिन प्रातःकाल पीड़ा रफु चक्कर हो गई थी और दूसरे दिन सुबह यह दर्द गायब भी हो गया था। कोई 2 सप्ताह मुझे पूरा व्यस्त होने में लगा, स्वस्थ होने में लगा, सॉरी, वो करीब 2 हफ्ता उनको पूरी तरह से स्वस्थ होने में लगा। बराबर डॉक्टर चौहानाथ कातर जी की दवा पीता रहा, बराबर उन्होंने डॉक्टर चौहानाथ कातर जी का दवा पीते रहे। 18 आने की शीशी प्रतिदिन आती थी, 18 आने की शीशी प्रतिदिन उनके घर में, रोज उनके घर में आती थी। दवा के स्वाद का क्या कहना, दवा का जो टेस्ट था उसके बारे में क्या बताए, शायद मुर्दे के मुंह में डाल दी जाए तो तिलमिला उठे, शायद किसी मुर्दे के मुंह में अगर वो दवा डाल दो तो वो भी तिलमिला कर उठ जाए, मुर्दा भी जिंदा हो जाए। 15 दिन के बाद मैं डॉक्टर साहब के घर गया उन्हें धन्यवाद देने के लिए, 15 दिन के बाद वो डॉक्टर साहब के घर गए उनको धन्यवाद बताने देने के लिए। मैंने पूछा कि अब तो दवा पीने की कोई आवश्यकता ना होगी, उन्होंने पूछा कि अब तो दवा पीने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, वे बोले ये तो आपकी इच्छा पर है, डॉक्टर साहब ने बोले कि ये आपके ऊपर, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, पर यदि आप काफ़ी एहतियात ना करेंगे तो आपको अपेंडिसाइटिस हो जाएगा, ठीक है। उन्होंने बोला कि अगर आप एहतियात नहीं बरतेंगे खाने वाने सब कुछ में तो आपको अपेंडिक्स हो जाएगा। आपकी श्रीमती जी बड़ी भाग्यवती है, आपकी श्रीमती बहुत लाकी है, अगर 6 घंटे की देर और हो जाती तो जिंदगी भर रोना पड़ता, अगर 6 घंटा लेट हो जाता मेरे आने में तो आप जिंदगी भर के लिए आपको रोना पड़ता। वो तो कहिए कि आपने मुझे बुला लिया, वो तो कहिए शुक्र है कि आपने मुझे बुला लिया। अभी कुछ दिनों दवा पीजिए, अभी और कुछ दिन तक आप दवा पीजिए। इसी बीच में डॉक्टर महोदय ने ऐसे ऐसे मर्जों के नाम सुनाए कि मेरी तबीयत फर्क उठी, मतलब ऐसे ऐसे बीमारियों के नाम डॉक्टर साहब ने इसी बीच में बताए कि उनका तबीयत मतलब अच्छा होने के बजाय खराब होना शुरू हो गया था। भला मुझे ऐसे मर्ज हुए जिनका नाम साधारण क्या बड़े पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते, भला मुझे ऐसा क्या दर्द हुआ जिसका नाम पढ़े लिखे लोग भी नहीं बोल पाते। मालूम नहीं ये मर्ज सब डॉक्टरों को मालूम है कि केवल हमारे कातर जी को ही, मालूम नहीं ये सभी जो बीमारियों का नाम उन्होंने बताया है डॉक्टर कातर जी ने, ये सिर्फ सभी उनको पता है या बाकी लोगों को भी। खैर मैंने दवा जारी रखी, उन्होंने दवा जारी रखी। ये थी आज तक की, आज का पार्ट, इसका सेकंड पार्ट में मैं पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करूंगा। अगर इस पार्ट में आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत होता है तो आप रात को फ़ोन कर पूछ सकते हैं। धन्यवाद।